नमस्कार, इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। टीम इंडिया के मुख्य कोच रवि शास्त्री ने कुछ ऐसा ट्विटर पर लिखा है जो कि इस वक्त कौतूहल का विषय भी बना हुआ है और लोग इसको लेकर के जमकर इसकी चर्चा भी कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि टीम इंडिया के मुख्य कोच रवि शास्त्री ने आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में होने वाले मुकाबले के रोमांच पर अपनी इस बात को रखा है, जिसमें उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है। अब ये ट्वीट क्या है, ये ट्वीट हम आपको बताते हैं। दरअसल शास्त्री ने ट्विटर पर लिखा है, गुरु बनाम चेला, बहुत मजा आएगा आज, स्टंप माइक जरूर सुनिएगा। तो ये ट्वीट उनकी तरफ से किया गया है, यानी कि गुरु बनाम चेला की आज जब बात यहां पर रवि शास्त्री की तरफ से की गई है। तो आपको ये बता दें कि आज चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में मुकाबला होना है और इसमें अगर आप देखें तो एक तरफ गुरु है और दूसरी तरफ चेला, यानी कि एक तरफ बात हो रही है महेंद्र सिंह धोनी की और उनके साथ अब उनके सामने चूंकि उनके चेले मैच खेलने के लिए उतरने वाले हैं, तो जाहिर बात है कि इसको लेकर के अब ये जो ट्वीट था वो आज किया गया है और इस ट्वीट के बाद आज का ये मैच भी बेहद दिलचस्प होने वाला है। अब टिप्पणी उन्होंने की है क्योंकि आईपीएल के 14वें एडिशन में शनिवार को महेंद्र सिंह धोनी के सामने ऋषभ पंत होने वाले हैं, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी जो कि ऋषभ पंत को लेकर के टीम इंडिया में आए थे और आज आप देखिए कि किस तरीके का मैच जो रोमांचक होने वाला है, क्योंकि जब दोनों ही टीमें आमने सामने होंगी तो दोनों ही टीमों की तरफ से, एक तरफ से चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से उनके कप्तान आपको खेलते हुए दिखेंगे महेंद्र सिंह धोनी के रूप में, तो दूसरी तरफ से ऋषभ पंत होंगे। तो यानी कि गुरु बनाम चेला, यही कहने की कोशिश रवि शास्त्री की तरफ से आज की गई है और उन्होंने जो ट्वीट किया है उसके मायने भी यही है कि आज गुरु बनाम चेला होगा, आज आप लोग मैच देखिएगा जरूर और स्टंप माइक को जरूर सुनिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।